आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए आपको दिखाते हैं कौन सी रही अभी तक की वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में मेरा सुझाव मेरा चुनाव नाम से एलईडी रथ को कुमाऊं की 29 विधानसभा सीटों के लिए रवाना किया। इस रथ के जरिए सरकार जनता के सुझाव भी लेगी, जिनको भाजपा अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। इस रथ में सुझाव पेंडिंग है, जिसमें जनता अपने सुझाव डाल सकती है। इन सुझावों के आधार पर आगामी चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। साथ ही इस रथ के जरिए सरकार अपने पिछले 5 साल के विकास कार्य को लेकर जनता के बीच जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने जनसंपर्क अधिकारी का खनन के मामले में वायरल पत्र के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मामले की जांच गहनता से चल रही है। अवैध खनन के मामले में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 100-100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन का कोई भी मामला सामने आएगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड लाइव न्यूज के लिए हल्द्वानी से एजाज हुसैन की रिपोर्ट। उत्तराखंड है जो हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, आदर्श राज्य बने, उसके लिए हम सभी के विचार जो है आमंत्रित करेंगे और हाँ, निश्चित रूप से सुझाव उसी पेटिका के माध्यम से देखिए। ऐसा है, जिसके भी ओएसटी के वहाँ से सबसे पहले पत्र जारी हुआ है और पत्र जारी होते ही हमने उसको वहाँ से हटा दिया है। उसकी हम जांच कर रहे हैं गहनता से। और जहाँ तक अवैध खनन की बात या खनन की बात करते हैं, ये 900 बिल्ली खा के जो है वो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाला हिसाब है। ये लोग जो है हमारे ऊपर जो है आरोप लगाते हैं। प्रधानमंत्री हो रहा है, कोई खनन नहीं हो रहा है, बिल्कुल सिस्टमेटिक हो रहा है। कहीं पर भी आप लोगों के माध्यम से, किसी के माध्यम से एक भी कोई बात आएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। ये लगातार हम अभी तक के लिए बस इतना ही काफी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर।